एक व्यापारी था, तो समंदर में जा रहा था अपने जहाज को लेकर, तो तूफान उठा जहाज में समंदर में, और लगा कि अब जहाज डूब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस व्यापारी ने प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान आज हमें बचा लो, आज हमें बचा लो, तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर मैं दान पुण्य कर दूंगा। भगवान ने सुन ली। अक्सर ऐसे लोगों की भगवान सुन लेता है टेक चेक करने के लिए कि देखे सही कह रहा था झूठ कह रहा था। तूफान टल गया, बच गया व्यापारी, लौट कर आया उसका अरबों का घर, घर में अरबों की संपत्ति। उसे लगा यार ये तो बहुत बड़ा वादा कर दिया, अब क्या करें। तो उसने पुरोहितों को बुलाया, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, मैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं। पुरोहितों ने कहा सरकार टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी सारी संपत्ति एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ बिल्ली रख दीजिए। आपकी संपत्ति कितने की पूरी? बोला 300 करोड़ की। कहा ठीक, और आप बोली लगाइए कि मैं अपनी सारी संपत्ति बेच रहा हूं, लेकिन ये मेरी सारी संपत्ति मात्र 10,000 रुपए की, और इस संपत्ति के साथ मैं अपनी बिल्ली भी बेच रहा हूं जो 300 करोड़ रुपए की है। तो जो लोग बोली लगाने आए उन्होंने कहा बिल्ली 300 करोड़ की और इतनी सारी संपत्ति 10,000 रुपए की। हां उसने कहा हां। अरे लोगों ने कहा भाड़ में जाए, हमसे क्या लेना, हमें तो संपत्ति से लेना देना, 300 करोड़ रुपए में बिल्ली भी खरीद ली और 10,000 की संपत्ति खरीद ली। पुरोहितों ने कहा सर ये सारी संपत्ति आपने 10,000 में बेची है, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसको बोलते इंसान।